सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के साथ मैं हूं राकेश शर्मा। प्रदेश में अभी बरसात का मौसम सही ढंग से शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन बारिश से होने वाली दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। पिछली रात चंबा में हुई भारी बारिश के कारण हरिपुर सिडकुड सड़क पर पानी इकट्ठा होने से पानी और सड़क की गंदगी सड़क के साथ लगते घरों में घुस गई, जिससे घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। बीती रात चंबा में हुई भारी बारिश के कारण चंबा के हरिपुर गांव में बारिश का पानी घरों में घुस जाने से लोगों के घरों को काफी नुकसान हुआ है। प्रभावितों का कहना है कि बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण बारिश के दिनों में पानी सड़क पर एकत्र हो जाता है और पानी फिर लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे उनके मकानों को नुकसान पहुँचता है। बीते कल हुई बारिश से हरिपुर से सिंध कुंड तक जाने वाली सड़क में पानी इकट्ठा हो गया और पानी सड़क के साथ लगते घरों में घुस गया, जिस कारण उनके घरों को नुकसान हुआ है। लोगों का कहना है कि उनके द्वारा विभाग को भी इसकी सूचना बार बार दी गई है, लेकिन उनकी इस समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं निकाला है। लोगों ने जिला प्रशासन से इस समस्या का निदान करने की गुहार लगाई है। मैं हरिपुर पंचायत का निवासी हूं, द्रिहाली मेरा गांव का नाम है। हमारी अप्रोच रोड है जो जीरो पॉइंट से लेकर सिडकुंड रोड को जाती है, हरिपुर को जाती है, और इस रोड पे काम लगा हुआ था। इसे हमने बार बार रिक्वेस्ट की थी पूरे गांव वालों ने कि ये रोड की वाइडनिंग होनी चाहिए, क्योंकि हर बार बरसात में पानी का जो है, पानी की यहाँ ब्लॉकेज होती है। इसका आउटलेट कोई भी नहीं है पानी का, अनटेक्निकली नाली बन रही है, इसका कोई भी आउटलेट नहीं है पानी का। सारा पानी बरसात का यहीं ब्लॉक होता है और लोगों के घरों में जाता है और मलबा भी अंदर जाता है। इससे लोगों के बहुत ही उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। कल रात को जो बारिश हुई है उससे सारा पानी ब्लॉक होकर मेरे मकान के अंदर चला गया हुआ है और मेरा काफ़ी नुकसान हुआ है। मैंने एक महीने से मैं डिपार्टमेंट को अप्रोच कर रहा हूँ कि भाई यहाँ जो मलबा है, डेब्रिज है, ये आप यहाँ से उठाओ और नाली की वाइडनिंग करो ताकि बरसात में कोई ऐसी नुकसान की घटना ना घटे। और इस रोड की वाइडनिंग इतनी कम यहाँ पर है और बार बार यहाँ पर एक्सटेंड होते हैं, इसके बारे में भी इनको ये डिपार्टमेंट स्तर के और प्रधान भी स्तर के इसके बारे में यहाँ जो नुकसान होता है, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। रात को जो नुकसान पानी आया उससे एक निमिजन मेरा नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा है। तो मेरी प्रार्थना है, विभाग से भी रिक्वेस्ट है कि इमीडिएट इसकी वाइंडिंग करें और यहां से लोगों के घरों का नुकसान ना पहुंचे। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। चंबा शहर से सटा चौंडीदा फाट स्थित चीड़ का जंगल अचानक आग से धधक उठा। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। जंगल को आग से घिरता देख वन व दमकल विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जंगल में लगी इस भयानक आग से एक हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान हुआ है। विभागीय जांच में पाया गया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने जंगल में आग लगाई है, लेकिन उसका नाम और पता अभी तक मालूम नहीं हो पाया है। मुख्य वन्य अरण्यपाल ARM रेड्डी ने बताया कि इस वर्ष चंबा जिला में जंगल की आग के कुल 53 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 375 हेक्टेयर पर खड़ी वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। इस वर्ष जंगल की आग से कुल 2,70,000 का नुकसान हुआ है, जो कि गत वर्ष हुए नुकसान का 10% है। पिछले वर्ष जिला में जंगल की आग से 22,20,000 रुपये का नुकसान हुआ था। अरण्यपाल ने बताया कि विभाग के जंगल को आग से बचाने के लिए उठाए गए कदमों के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जंगलों को आग से बचाने के लिए फायर लाइन बनाने के अलावा निगरानी के लिए कुल 155 विभागीय कर्मचारियों की तैनाती भी की गई थी। उन्होंने कहा कि जंगल में आग लगाने वाले अज्ञात शख्स का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। फट जंगल में आग लगा था तो हमें पता लगा, हमारे स्टाफ कहीं रोड पे घूम रहे थे, एक लड़का जो है रास्ते से जाते जाते एकदम आग लगा दिया और गायब हो गया। जब तक हमारे स्टाफ वहां पहुंचे तो बड़े स्टीप जंगल था, खड़ी राख थी, तो उसमें जो है कि चढ़ना भी मुश्किल था, तो आग जो है एकदम ऊपर को चले गया। और उसके बाद हमारे स्टाफ ने देखा भी वहां कई जो है वल्चर्स जो है, जिसको गीद बोलते हैं, कि जो वल्चर्स जो है कि वहां पर घोंसला बनाए हुए थे, वो अपने जो है कि बच्चों का घोंसला जो बचाने के लिए काफी हवा में घूम रहे थे, कोशिश कर रहे थे। तो फिर हमने जो है कि हमारे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था फायर, हमने फायर ब्रिगेड को भी फोन करके उनके भी मदद लिया, उन्होंने भी आए और हमारी मदद किया और किसी तरह हमने जंगल में जो है कि आग को आज काबू कर लिया इस जंगल में। और कुल नुकसान जो है कि हमारा आज तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, एक हेक्टेयर का जंगल हमारा प्रभावित हुआ और खासकर उनमें जो जले है कि वो सिर्फ लैंटाना झाड़ियां वगैरह जो इस टाइप का जो झाड़ियां जले है, पर हुआ तो अगर नुकसान हमारे को जो है
कि वन्य प्राणी कोई छुपा होगा अंदर या कोई चिड़िया छुपा होगा, उनका नुकसान तो कोई भी बचा नहीं सकते अंदर जो बचा हुआ है। बाकी हमने पूरे पूरे कोशिश किया फायर ब्रिगेड की। सिटी चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। 12 जुलाई को गुरु पूर्णिमा की संध्या पर शिरडी के साईं भक्तों ने शिमला के चक्कर स्थित साईं मंदिर से बालूगंज और फिर वापस मंदिर तक साईं की शोभा यात्रा निकाली। भव्य शोभा यात्रा में सैकड़ों साईं भक्तों ने हिस्सा लिया। इस शोभा यात्रा में कंधे पर साईं की पालकी और हाथों में साईं की मूर्ति उठाए साईं भक्त साईं भजन गाते हुए भक्ति में डूबे नजर आए। पूरे समाज को भाईचारे का संदेश देने वाले शिरडी के साईं बाबा पर भले ही आज कुछ लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया हो, लेकिन इसका साईं भक्तों पर लेश मात्र भी असर नहीं पड़ा है। 12 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के मौके पर सैकड़ों की संख्या में साईं भक्त चक्र स्थित साईं मंदिर में एकत्र हुए और मंदिर से बालूगंज तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में साईं भक्त साईं की पालकी और मूर्ति उठाए साईं भजन गाते हुए भक्ति में लीन नजर आए। साईं भक्तों ने कहा कि शिरडी के साईं बाबा ने पूरे समाज को रंग भेद और जाति पाति से ऊपर उठकर भ्रातृत्व का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में उठाए गए विवाद से साईं भक्तों की आस्था पर ना तो कोई असर पड़ा है और ना ही पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज गुरु पूर्णिमा का पावन उत्सव है, तो सभी लोग अपने अपने गुरु को याद करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में ये साईं यात्रा साईं मंदिर कैसे है वहाँ से बालूगंज तक जाएगी, फिर बालूगंज से वापस साईं मंदिर तक जाएगी और फिर वहाँ की शिक्षा श्री बाबा करेगी। उसी के साथ साथ दिवस है और शिरडी साईं की ये यात्रा निकाली जा रही है शोभा यात्रा। शिरडी साईं लगभग आज से 100 साल पहले हुए और उनका संदेश जो था भाईचारे का था, प्रेम श्रद्धा सबूरी। और आज वास्तव में उनकी जो टीचिंग्स हैं या उनकी प्रीचिंग जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय आ गया है। विवाद उठते रहते हैं, उनका एक ही संदेश है भाईचारा हो, नस्ल भेद से उठा जाए, रंग जाति से उठा जाए और दुनिया में प्यार बांटा जाए और मनुष्य को श्रद्धा पैदा हो, सबूरी पैदा हो, संतोष पैदा हो। उसी आशय को लेकर के भक्तगण जो है वो अपने आनंद में उनका नाम लेते हुए उनका स्मरण करते हुए जो संदेश उन्होंने शिरडी की धरती से पूरी दुनिया में दिया है उसको लेके आगे चले। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों खासकर बस दुर्घटनाओं का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। आज 13 जुलाई को सोलन से शिमला आ रही हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की सुपर फास्ट बस ध्यारीघाट के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल सोलन और IGMC अस्पताल शिमला पहुंचाया गया। परिवहन मंत्री GS बाली ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और IGMC अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। बाली ने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठियोग के सेंज और शिमला ग्रामीण के धामी क्षेत्र के समीप HRTC की बस दुर्घटनाओं के बाद एक बार फिर परिवहन निगम की एक बस आज दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सोलन से शिमला आ रही सुपरफास्ट बस में सवार करीब 35 यात्री अपने गंतव्य पर जल्दी पहुंचने के मकसद से इस बस में सफर कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये अभागी बस उन्हें मौत और अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचा देगी। बस हादसा सुबह करीब 9:45 बजे वाकना घाट के समीप ध्यारी घाट में उस समय हुआ जब सामने से तेज रफ्तार में आ रहे एक वाहन को बचाने के चक्कर में बस सड़क से बाहर चली गई। ये बस सड़क के साथ बने एक मकान के आंगन में जा गिरी। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति ने IGMC अस्पताल लाते समय रास्ते में दम तोड़ा। दुर्घटना में 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को IGMC अस्पताल शिमला और क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचाया गया। परिवहन मंत्री GS बाली ने घटनास्थल का दौरा किया और उसके बाद वे घायलों का कुशलक्षेम पूछने IGMC अस्पताल पहुंचे। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने सिटी चैनल से बात करते हुए हादसे की जानकारी दी। वहीं सोलन अस्पताल में मरीजों को समय पर और सही उपचार न मिलने का आरोप लगाते हुए लोगों ने सोलन अस्पताल की व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाए और सरकार से इसकी स्थिति सुधारने की मांग की। सोलन हमें कॉल आई कि
डेहरी घाट के आसपास कोई बस पलटी है जिसमें 35 से 40 बंदे इंजर्ड है, आप वहाँ पे तुरंत मूव हो जाइए। हम वहाँ पे आधे घंटे के अंदर पहुँच गए हैं वहाँ पे। हमें वहाँ पे 3 पेशेंट मिले, बाकी लोग रेफर हो चुके थे, कोई सोलन आ चुका था या IGMC जा चुके थे। तो हमें वहाँ पे 3 पेशेंट मिले जिन्हें हमने कंडा घाट लाया। कंडा घाट में हमने उनका उपचार कराया, उसके बाद हमने कंडा घाट से 3 पेशेंट जो बहुत क्रिटिकल थे उनको उठाया, उनको उनके विद ट्रीटमेंट उठाया उनको, और सोलन में हॉस्पिटल में आर एस सोलन में उनको एडमिट करा दिया। आसपास 10:30-11 के आसपास कंडा घाट सुपर कैथली घाट के HRTC बस का एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें कम से कम 35 से 40 के लगभग सवारी बताई जा रही है जो कैजुअलिटी है। उनमें से कुछ पेशेंट अभी सोलन पहुँचे हैं, पेशेंट का सोलन पहुँचने पर एक्सरे का कुछ नहीं हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें जो है सोलन में आ रही है, कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, कोई एक्सरे नहीं हो रहे, पेशेंट बाहर बैठे हैं चिल्ला रहे हैं। तो इस तरह देखा जा रहा है कि यहाँ पर एडमिशन की कोई यहाँ पर फैसिलिटी नहीं मिल रही है, पेशेंट को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ी जिला अस्पताल के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। तो हम ये सरकार से मांगते कि यहाँ पर कोई भी कैजुअलिटी थी कम से कम यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए, अपनी मशीनरी यहाँ उपलब्ध होनी चाहिए जो यहाँ पर नहीं मुहैया करवाई जा रही है। मेरा नाम वनीता वर्मा है, मैं जनरल मैनेजर हूँ HRTC सोलन में। जो अभी हम ये गाड़ी ऊपर से आ रही थी, शिमला से आ रही थी, तो अभी हम मौके पे देखा हमने तो यहाँ से 2 आदमियों की डेथ हो गई है और बाकी को स्नोडन दे रहे हैं, हॉस्पिटल ले गए हैं। तो कितनी सवारी बैठी हुई थी इसमें? इसमें 30 सवारियाँ थी। तो हुआ कैसे ये एक्सीडेंट? ये अचानक आगे ये गाड़ी को करा था, टर्न कर गई आगे को ना। अनिल कुमार जी, आप यहाँ क्या करते हैं? मेरी फर्नीचर इंडस्ट्री है यहाँ पे। अच्छा, तो ये क्या हुआ है? बस हम सुबह आए कोई 8:30 बजे, हमने दुकानें खोली और साफ सफाई की, उसके बाद में पूजा कर रहा था। जैसे ही मैं धूप जला के नीचे कुर्सी पर से उतरा, वैसे ही यहाँ पे थोड़ा टायर कच्चे में आया बाहर को और ऊपर से बस नीचे आ गई। वहीं परिवहन मंत्री GS बाली ने इस बस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो अभी वो लड़की सेंस में है जो ड्राइवर के बिल्कुल पीछे बैठी थी, उसने जो मुझे सूचना दी है मैं उसके आधार के ऊपर कह रहा हूँ। अभी बच्ची यही है ना, अभी यही पे है, बाकी इसकी हम इंक्वायरी करेंगे और जो दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जो कड़ी से कड़ी अगर कोई ड्राइवर की गलती हुई या किसी की भी गलती हुई उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाए। मैंने MD साहब को यहाँ आते हिदायत दी है कि इसकी डिटेल इंक्वायरी की जाए, क्योंकि वहाँ रोड जो है वो बड़ी चौड़ी है और प्लेन है, मगर इसकी भी पूरी जानकारी लेंगे कि क्या इतनी स्पीड से वो बस आ रही थी जिसको बचाने के लिए इसने साइड पे किया, और वो छोटा सा डंगा है जो मैंने देख के आया हूँ साइड के ऊपर। सर, घायलों और मृतकों को अभी फौरी तौर पे कोई राहत? हाँ, देखिए पूरी रात के लिए मैंने तहसीलदार कंडा घाट को जो है वो दे रहे हैं पूरी रात जो है उनको दे रहे हैं और उनको भी दी जाएगी, और एज पर द मैनुअल ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो भी है वो पूरी रात दी जाएगी। पर एक बात मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ, ट्रीटमेंट के लिए जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है, जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल होगी वो बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल कराई जाएगी जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं। देखिए अब ये तकरीबन हजारों बसें रोज चलती हैं, और जैसे कि बाकी चीज़ें होती हैं, दीज हम वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। अब इसमें बताइए मुझे, आप ही सजेस्ट करें सरकार क्या कर सकती है, अगर वो सामने से कोई चीज़ एक एक का जवाब ले लीजिए। तो कोई भी चीज़ आती है, मैंने कहा कि लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम, उसके ऊपर पूरा एक्शन लेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आ रही है, उसके बीच में मैं काफ़ी चीज़ें सुझा रहा हूँ जिनका आपको दूरगामी परिणाम जो है सामने है। ये काफ़ी मैंने कम से कम 30-35 फुट चौड़ी सड़क है जहाँ पर यह हादसा हुआ है, 30-35 फुट चौड़ी सड़क है जहाँ यह हादसा हुआ है। जो बच्ची बता रही है, मुझे जो अभी मैंने 2-3 बच्चों से बात की, 4-5 पेशेंट से, अब चलो आपके साथ बात कर लेते हैं, कि वो ये बता रहे हैं कि सामने से कोई गाड़ी आई बड़ी स्पीड से, उसको बचाने के लिए, ये ड्राइवर 20 साल से इसी रूट पे चला हुआ है, धर्मपुर का ड्राइवर है, पर वी आर ट्राइंग टू इंक्वायर एंड फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। सिटी चैनल के लिए कंडा घाट से ललित वर्मा और शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। बीते 2 वर्षों से चल रही राजेंद्रा ज्वेलर्स की सबसे आकर्षक सोना खरीदो कार जीतो योजना का रविवार को मुख्य ड्रॉ निकाला गया, जिसमें सुन्नी के महेंद्र कुमार भाग्यशाली विजेता रहे और उन्होंने मेगा ड्रॉ में ऑल्टो 800 जीतकर इस योजना के दूसरे प्रतिभागी बनने का गौरव हासिल किया। राजेंद्रा ज्वेलर्स के मालिक सुफल सूद ने विजेता को बधाई दी और इस बेहद आकर्षक योजना को ग्राहकों के रुझान को देखकर तीसरे वर्ष भी जारी रखने की घोषणा की।
आभूषणों का शौक रखने वाले लोगों को शिमला के राजेंद्र ज्वेलर्स की ओर से चलाई जा रही सोना खरीदो कार जीतो योजना ने सबसे अधिक आकर्षित किया है। बीते दो सालों से इस योजना और कूपन व स्क्रैच योजना से बड़ी संख्या में लोग जुड़े और इनका फायदा उठाया। राजेंद्र ज्वेलर्स की ओर से शिमला के लैंडमार्क होटल में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जहां राजेंद्र ज्वेलर्स की सोना खरीदो कार जीतो योजना का दूसरा मेगा ड्रॉ निकाला गया। इस ड्रॉ में सुन्नी के महेंद्र कुमार भाग्यशाली विजेता रहे। महेंद्र कुमार को ऑल्टो 800 कार की चाबी राजेंद्र ज्वेलर्स के मालिक सुफल सूद की माता ने भेंट की। इसके अलावा अन्य विजेताओं को सुफल सूद ने पुरस्कृत किया। पहला इनाम जीतने पर महेंद्र कुमार और उनकी पत्नी ने खुशी व्यक्त की। उन्होंने राजेंद्र ज्वेलर्स का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि इस इनाम से उनका गाड़ी खरीदने का सपना सच हुआ है। सर देखो, पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा राजेंद्र ज्वेलर्स जी का, और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे ये इनाम में इतने बहुत खूबसूरत इनाम मिला है। तो कहते कि एक सपना सच हो रहा है, मैं खुद गाड़ी लेने की सोच रहा था और ये मेरा सपना खुद ही अपने आप ही सच हो गया है। तो मैं थैंक्स सबसे पहले अपने माता पिता जिन्हों के आशीर्वाद से हमारे को ये आज मौका मिला, और अपनी खुश नसीब वाइफ को जिसकी बदौलत आज ये इनाम ईद के नाम पे निकला है, और लास्ट में अंत में राजेंद्र ज्वेलर का थैंक्स कहना चाहूँगा। ये मौका मिला कि हमें इनाम मिला, हमें विश्वास नहीं होता कि हमें यह इनाम हासिल हुआ। इसके अलावा अन्य विजेताओं ने भी इनाम मिलने पर खुशी जाहिर की। धन्यवाद करना चाहूँगा उनको, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया, बहुत ही जल्दी हो गया। राजेंद्र ज्वेलर्स के मालिक सुफल सूद ने सोना खरीदो कार जीतो योजना की जानकारी दी। उन्होंने इस योजना को मिल रहे ग्राहकों के रुझान को देखते हुए इसे लगातार तीसरे वर्ष भी जारी रखने की घोषणा की। राजेंद्र ज्वेलर्स शिमला ने दो साल पहले सोना खरीदो कार जीतो प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। इसमें हमने पिछले साल हमारी भाग्यशाली विजेता करसोग से श्रीमती रेखा शर्मा थी, उनको ऑल्टो 800 दी थी। इस बार के हमारे भाग्यशाली विजेता श्री मोहिंदर कुमार हैं सुन्नी से, और आज हमें उनको उनका पुरस्कार ऑल्टो 800 देते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और भगवान का बहुत धन्यवाद है कि हमने जो वादा किया हमने पिछले साल भी निभाया, इस साल भी निभाया, और इस स्कीम को हम एक साल के लिए और कंटिन्यू कर रहे हैं। अगले साल एक और भाग्यशाली विजेता को हम ऑल्टो 800 देंगे। इस स्कीम के तहत 25,000 की खरीद पर कूपन दे रहे हैं, 50,000 के खरीद पर हम स्क्रैच कार्ड देते हैं जिसमें तुरंत पुरस्कार है, और उसमें गुड लक या ट्राई योर लक नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं है, तुरंत कुछ ना कुछ है, और उन पुरस्कारों में डायमंड की अंगूठी, डायमंड की तीलियां तक हैं। पिछली बार भी हमने 15 तीलियां और 5 अंगूठियां स्क्रैच कार्ड के द्वारा दी हैं। वो सारी स्कीम एक साल के लिए हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। इस स्कीम को हमारे ग्राहकों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, बड़ा उत्साह मिला उनमें, और उनके उत्साह को देखते हुए हम इसको एक साल और चला रहे हैं। इसके अलावा डायमंड की खरीद पर हम 100% वापसी लेते हैं, और सोने की खरीद पर हम बनवाई में 50% तक छूट दे रहे हैं, और सारा सामान हॉलमार्क दे रहे हैं, और हमें विश्वास है जैसे ग्राहकों ने अभी तक हमें साथ दिया है, आगे भी हमारा इससे और भी ज़्यादा बढ़िया साथ देंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। शिमला के अस्पतालों में खून की कमी दूर करने और लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने में शिमला की प्रमुख समाजसेवी संस्था ऑलमाइटी ब्लेसिंग सराहनीय योगदान दे रही है। संस्था की ओर से पिछले लंबे समय से लगातार रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार 13 जुलाई को भी एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसका मकसद कमला नेहरू अस्पताल में चल रही रक्त की कमी को दूर करना था। इन दिनों राजधानी शिमला के लगभग सभी अस्पतालों में खून की कमी चल रही है, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों को बड़ी परेशानी होती है। इसी परेशानी को देखते हुए ऑलमाइटी ब्लेसिंग की ओर से कमला नेहरू अस्पताल में रक्त की कमी को दूर करने के लिए शिमला के रिज मैदान पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। ऑलमाइटी के अध्यक्ष सर्वजीत सिंह ने सभी लोगों से रक्तदान करने की अपील की, ताकि समय पर मरीजों को खून मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। ये ब्लड डोनेशन कैंप कमला नेहरू हॉस्पिटल के लिए लगाया गया है, जहां पर आजकल रक्त की भारी कमी चल रही है,
मैं लोगों से भी हमेशा अपील करता रहता हूं, आज फिर अपील कर रहा हूं। शिमला के तीनों ब्लड बैंक्स में इस वक्त रक्त की भारी कमी चल रही है। अगर लोग चाहें अपना रक्त वहां जाकर स्वयं दान कर सकते हैं। रक्त देने से कोई कमजोरी नहीं आती, दिलेरी आती है। दिलेर बनिए और ये सोच कर मत दीजिए कि जब आप देंगे और आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको रक्त नहीं मिलेगा। देने की भावना रखिए, भगवान आपके लिए ऐसा समय लाएगा ही नहीं जब आपको जरूरत पड़ेगी। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। न्यायिक सेवा के क्षेत्र में अपना भविष्य तलाश रहे छात्रों और एलएलबी व एलएलएम की शिक्षा ग्रहण कर रहे प्रदेश के विद्यार्थियों को अब इस क्षेत्र में जरूरी कोचिंग हासिल करने के लिए प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। शिमला के खरीणी में एफिकेशन जुडिशियल एकेडमी के खुलने से न्यायिक क्षेत्र के विद्यार्थियों की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने आज इस अकादमी का उद्घाटन किया और उम्मीद जताई कि विधिक सेवा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए ये मील का पत्थर साबित होगी। शिमला के साथ लगते खलीनी क्षेत्र में खुली एफिकेशन जुडिशियल एकेडमी प्रदेश की पहली ऐसी अकादमी बनी जो विधिक सेवाओं से जुड़ने वाले छात्रों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। इस अकादमी का उद्घाटन प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने किया और उन्होंने अकादमी की निदेशिका कृतिका सिंह को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विदेशों में शिक्षा ग्रहण करना काफी महंगा होता है, ऐसे में इस तरह के संस्थान शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने और लड़कियों को शिक्षित करने पर अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता जताई। What we lack here is, besides handicap and the other problems we are beset with, is the cutting edge. It's a very competitive world. Since we don't have the basic facilities here, our children have to move out. Moving out of a child entails a lot of expenses. You need a lot of money to impart education. Now, as far as India is concerned, it's very lucky. If you go to Harvard, Yale, Columbia, the annual fee is about $100 million. This is $1,000 is the form. It's very, very expensive. You have to pay around about 1.5 crore per year to get that course. The education is not very expensive. When the education is not very expensive, children tend to take it lightly. एफिकेशियस जुडिशियल एकेडमी की निदेशिका कृतिका सिंह ने अकादमी के उद्घाटन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में ये अपनी तरह की पहली अकादमी होगी जहां न्यायिक सेवाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाएगा और साथ ही अनुभवी न्यायविदों द्वारा एलएलबी और एलएलएम के छात्रों को भी कोचिंग दी जाएगी। सर, हम लोग इस अकेडमी में, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट अकेडमी है जिसमें जुडिशियल सर्विसेज के लिए बच्चों को प्रिपेयर किया जाएगा और साथ में क्लैट, दैट इज़ कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एलएलबी स्टूडेंट्स प्लस फॉर एलएलएम स्टूडेंट्स और हम पर सब्जेक्ट ऑफ लॉ की कोचिंग भी यहाँ देंगे एंड वी हैव एक्सपर्ट फैकल्टीज एंड एक्सपर्ट रिटायर्ड जजेस जो ऑन बोर्ड हैं हमारे साथ हु विल बी टेकिंग care of these students to clear their judicial service examination and jitni bhi yahan padhai hogi it will be all exam focused. It will be very less expenses because agar aap say for an example agar aap Chandigarh jate hain ya Delhi jate hain apni coaching classes ke liye sabse pehle to aapko wahan pe accommodation ke liye you have to pay your rent and then after your rent aapki agar wahan ki agar aap fee structure bhi compare kare to 1 lakh या 75,000-80,000 से कम इस कोर्स की कोचिंग नहीं अवेलेबल है और साथ में खाना पीना रहना कम्यूट करना भी वहाँ पे एक्सपेंसेस है और यहाँ पर हिमाचल में अगर हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं द फी स्ट्रक्चर इज कंपैरेटिवली वेरी लेस एंड द लोकेशन वेयर दिस एकेडमी इज सिचुएटेड इज वेरी अप्रोचेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स तो इस दिस वे यू नो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल कि अब हमारे स्टेट में ही ये एक कोचिंग। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। शिमला के रॉकवुड स्थित कस्तूरबा सर्वोदय बाल आश्रम के बच्चों के लिए समाज सेविका सुविधा देवी ने निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जिसमें बच्चों की चिकित्सीय जांच की गई और साथ ही उन्हें निशुल्क दवाइयां और टूथपेस्ट, टूथब्रश,
बिस्किट व फल आदि भी वितरित किए गए। चिकित्सा शिविर के दौरान बच्चों को चिकित्सकों ने अपने जीवन में साफ सफाई संबंधी एहतियात बरतने की भी सलाह दी। समाज सेवा में रत सुविधा देवी गरीबों और जरूरतमंदों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। सुविधा देवी समय समय पर अपने सामर्थ्य के अनुसार समाज के जरूरतमंदों की मदद के लिए न केवल अपनी ओर से योगदान देती है बल्कि सेवा भाव रखने वाले अन्य लोगों को भी साथ लेकर चलती है। सुविधा देवी ने शिमला के रॉकवुड स्थित कस्तूरबा सर्वोदय बाल आश्रम में रह रहे बच्चों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया, जिसमें डॉक्टर राजेश चौहान, डॉक्टर विनय भारद्वाज, डॉक्टर पूनम तरुणा राणा और राज ठाकुर ने भी अपना सहयोग दिया। इस शिविर में बच्चों के दांतों और आंखों के अलावा अन्य चिकित्सीय जांच की गई और आवश्यकता के मुताबिक उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। साथ ही बच्चों को टूथपेस्ट, टूथब्रश, बिस्किट और फल भी वितरित किए गए। इस मौके पर चिकित्सा जाँच कर रहे डॉक्टर विनय भारद्वाज ने बच्चों के दांतों की जाँच की और उन्हें दांतों को साफ रखने के लिए जरूरी टिप्स भी दिए। डीडीयू के नेत्र अधिकारी व समाज सेवी डॉक्टर राजेश चौहान ने कहा कि सभी आश्रमों में इस तरह के शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। हमें पता लगा था कि इस आश्रम में बच्चों का मेडिकल हेल्थ चेकअप करना है, तो हमें सुविधा वर्मा जी से जुड़े समाज सेवी ने उन्होंने कहा था कि आप संडे को समय निकाल सकते तो आए, तो आज हम लोग आए। अच्छा, पहले भी आए थे हम इस मकर संक्रांति में बच्चों से मिलने, तो आज इनका चेकअप किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों का साल में एक आधी बार होना चाहिए हेल्थ चेकअप, जैसे और जगह स्कूलों में होता है लेकिन आश्रमों में हो गवर्नमेंट कर रही है, तो हम बच्चों के बीच आए हैं और हमने बच्चों को देखने की कोशिश की है। और जिनको जो भी प्रॉब्लम होगी, चश्मों की होगी, दवाइयों की होगी, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट इनको प्रोवाइड करें। शिविर की आयोजक व समाज सेविका सुविधा देवी ने इस चिकित्सा शिविर की संक्षिप्त जानकारी दी। और आज हमने कस्तूरबा आश्रम जो है नियर रेडी रीडिंग के पास, यहाँ के जो मुख्य अधिकारी हैं उन्होंने ये बताया था कि बच्चों का स्वास्थ्य जांच शिविर लगाना है, वो आज हमने यह लगाया है। और हमारा सहयोग इसमें विनय भारद्वाज डॉक्टर और डॉक्टर पूनम और नेत्र अधिकारी राजेश चौहान ने भी योगदान दिया है। हम बच्चों की जांच कर रहे हैं और जो दवाइयाँ वगैरह देनी होगी वो हम अभी दे भी रहे हैं, जो और लिखेंगे उनको हम बाजार से लेके देंगे। तरुण राणा और राज ठाकुर ने भी हमारा सहयोग किया है जो यहाँ आए हैं। ये जो भी इनको तकलीफ होगी उसकी सब चीज़ों की जांच हो रही है, दांत की है और स्वास्थ्य के प्रति की कोई भी तकलीफ है और आँख की है, उसके लिए शिविर लगाया जा रहा है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। शिमला के आईएसबीटी में आज हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम परिचालक संघ की ग्रामीण क्षेत्र शिमला 3 इकाई का गठन किया गया। परिचालक संघ की अब तक 18 डिपो में ही इकाइयां कार्यरत थी। नवगठित इकाई के अध्यक्ष पद की कमान प्रकाश चंद को सौंपी गई, जबकि ठाकुर गोरखू राम को प्रधान और सुखराम को सचिव नियुक्त किया गया। नवगठित इकाई ने परिचालकों के 3 प्रमुख मुद्दों, समय पर छुट्टी दिलाने, भत्ते व अन्य देय बकायों का समय पर भुगतान करना और पदोन्नति के मुद्दों को सुलझाना अपनी प्राथमिकता बताया। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के 18 डिपो में परिचालक संघ की इकाइयां स्थापित की गई थी, लेकिन शिमला ग्रामीण क्षेत्र यूनिट 3 में अभी तक इसका गठन नहीं हो पाया था। आज इसका गठन शिमला के आईएसबीटी में स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के उपाध्यक्ष नील कमल की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें प्रकाश चंद को अध्यक्ष, ठाकुर गोरखुराम को प्रधान, सुखराम को सचिव, चेतराम को कोषाध्यक्ष और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता को संगठन मंत्री नियुक्त किया गया। स्टेट कंडक्टर यूनियन के उपाध्यक्ष नीलकमल ने बताया कि प्रदेश भर में परिचालकों की समस्याओं को सरकार और प्रशासन के समक्ष उठाने के उद्देश्य से 18 डिपो में परिचालक यूनियन की इकाइयाँ कार्यरत थी और अब शिमला ग्रामीण की यूनिट 3 की यूनियन का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि परिचालकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास और तेज किए जाएंगे। आज हमने शिमला में स्टेट कंडक्टर यूनियन का गठन किया है। पूरे हिमाचल में 18 डिपो में स्टेट कंडक्टर यूनियन कार्य कर रही है। सिर्फ शिमला का ग्रामीण क्षेत्र का जो यूनिट नंबर 3 है उसमें हमारा संगठन की इकाई नहीं थी। आज सभी कलेक्टर बंधुओं ने इस इकाई का गठन किया है और हिमाचल में स्टेट कनेक्टर यूनियन का गठन जो है 2011 में सितंबर 2011 में किया गया था और हमने पूरे प्रदेश में
क्रेडिट यूनियन को की समस्याओं को संभागों के जो भी समस्या आती थी उनके समाधान के लिए प्रबंध निदेशक और निगम प्रशासन से भी अपनी समस्या उठाई है और आगे भविष्य में भी हम कनेक्टरों की जो समस्या है उनका निवारण करने के लिए और उनका उनका समाधान के लिए कार्य करेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। वहीं एचआरटीसी ग्रामीण क्षेत्र शिमला 3 के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रकाश चंद ने यूनियन के मुख्य मुद्दों पर प्रकाश डाला और कहा कि इन मुद्दों को सुलझाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले मुद्दा मेरा एचआरटीसी में ये होगा कि परिचालक जो हमारे परिचालक हैं उनको समय पर छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि जब भी हम अड्डा इंचार्ज या किसी से छुट्टी मांगते हैं तो सबसे पहले उनका ये ही होता है कि स्टाफ नहीं है, समय पर छुट्टी का ना मिलना सबसे पहला मुद्दा ये होगा। और दूसरा मुद्दा ये होगा जैसे हमारे ड्यूज समय पर नहीं मिल रहे हैं, साल साल की हमारे रात्रि भत्ता ओवर टाइम साल से रुका है, दूसरा मुद्दा हमारा ये होगा। और तीसरा मुद्दा होगा हमारा प्रमोशन का, जैसे हमारे परिचालक परिचालक से पद से ही रिटायर हो रहे हैं, तीसरा मुद्दा हमारा ये हो। अगर आप सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की ताजातरीन जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।